फ्लैश फिल कमांड के बारे में सीखते हैं कि इसके अंदर हम किस तरह से काम ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फिल जो है वो एआई फीचर है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फ़ीचर इन्होंने ऐड किया है जो हमारे डेटा के पैटर्न को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे अगर इसमें अगर हम समझना चाहें आपके सामने, तो ये डेटा के पैटर्न को ऐसे फॉलो करता है। हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम अगर कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, जैसे मोहम्मद इसहाक तो, और इकरार अली, यासिर अली, बाबर अली, इस तरह से दो तीन कॉलम में जो डेटा है और उसको हम एक साथ करना चाहते हैं। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट फंक्शंस के ज़रिए भी करके देखा था, लेकिन उससे भी आसान तरीका इसके अंदर ये है कि आप इसको फ्लैश फिल के साथ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि पहली रो में इसको एक पैटर्न बताना है। जैसे फर्स्ट का मोहम्मद, लास्ट का इसहाक ले लेते हैं। जैसे मोहम्मद इसहाक हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जैसे ही मोहम्मद इसहाक लिख के हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो सेकंड रो पर ये आ जाता है। सेकंड रो पर जैसे ये आ जाता है तो यहाँ पर आप जाके कंट्रोल के साथ दबाएंगे ई, या फिर ये कमांड जो आपको नज़र आने वाली है फ्लैश फिल वाली, वो कहाँ पे नज़र आने वाली, फार्मूला में जाएंगे और यहाँ पे कहीं पर आपको नज़र आएगा फ्लैश फिल। ओके, मुझे अभी दिख नहीं रहा, ठीक है, डेटा में देखते हैं, ये रहा, यहाँ पर हमें दिखने वाला है फ्लैश फिल, ये वाली कमांड रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, और यहाँ पर आएंगे कंसोलिडेट फ्लैश फिल, इस कमांड का नाम है फ्लैश फिल, और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ई, और ये क्या काम करेगी, ऑटोमेटिकली फिल इन द वैल्यूज़, इंटर अ कपल ऑफ एग्जांपल्स यू वांट इज आउटपुट एंड कीप द एक्टिव सेल इन द कॉलम यू वांट फिल्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब जैसे यहाँ पर रख के इस कमांड पे क्लिक करेंगे, या हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से जो नीचे वाली एंट्रीज हैं, और उनको सेलेक्ट करके, और जैसे ही फ्लैश फिल की कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, बल्कि सॉरी सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही रख के फ्लैश फिल की कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी के सारे पैटर्न्स को ये ऐसे फॉलो कर देगा और नीचे वाले डेटा का खुद ही बना देगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जाके मोहम्मद इसहाक को मोहम्मद यहाँ पे लिखते हैं और इसहाक यहाँ पे लिखेंगे इसहाक, और लिखने के बाद अब आप इसको यहाँ पे भी फ्लैश फिल कहेंगे और यहाँ पर भी फ्लैश फिल कहेंगे, तो ये इसी पैटर्न को फॉलो करके डेटा को अलग अलग कर देगा। एग्जाम्पल नंबर टू में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा है, यानी कि स्टूडेंट का नाम है, कोर्स का नाम है, SHD लिखा हुआ आगे, सिटी का नाम है। तो हमने पहली वाली एंट्री इसको करके बताई कि इसको इस तरह से कर लें, और नीचे आके इसको हमने कंट्रोल ई या फ्लैश फिल पे क्लिक किया तो देखें इसने पूरा का पूरा डेटा आपका खुद ही बना दिया। एग्जाम्पल थ्री के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा अली डॉट मेमन डॉट या अंडरस्कोर shd@gmail.com, और उसके बाद जैसे ही फ्लैश फिल या कंट्रोल ई कीबोर्ड से मैंने दबाया तो इसने सबके ईमेल यहाँ पे खुद ही क्रिएट कर दिए। एग्जांपल नंबर फोर में देखिए कि यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जो इस तरह से मौजूद है रजिस्ट्रेशन नंबर का, इसको मुझे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैंने फॉर्मेट इसको समझाया 1123-8765-412/PK, इस तरह से मैंने फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है सारे डेटा को। तो यहाँ पे रख के मैंने कंट्रोल ई या फ्लैश फिल दबाया तो ये देखें इसके ऊपर इसने सारे डेटा को इसी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एग्जांपल नंबर फाइव में देखें तो यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है, जैसे अपॉइंटमेंट डेट लिखी हुई है। अब ये डेट इस तरह से लिखी हुई आ रही है जैसा कि मैं देख रहा हूँ, और इस डेट को मैं यहाँ पर इस तरह देख रहा हूँ। अभी करना क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस डेट को मैंने क्या किया कि यहाँ से क्लिक किया और नॉर्मल डेट में कन्वर्ट किया नंबर के अंदर, और नॉर्मल में करने के बाद मैंने इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ओके, तो अब उसके बाद अगर हमारे पास अगर हम डेट लिखने का जो तरीका हमने आपको बताया वो क्या बताया हुआ है कि अगर आप डेट को लिखेंगे तो पहले आपने, चूँकि अभी हम डेट क्यों कैसे लिखेंगे, देखें हमारा डेट का फॉर्मेट सेट किया हुआ है 4 September 2024, तो पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। तो उसको लिखने का तरीका आपको जो हमने बताया वो कैसे लिखना है, पहले आपने सपोज टू बी कोई भी डेट लिखनी है 14,
फिर उसके आगे डैश नहीं बल्कि स्लैश लगाना है, ना डैश ना डॉट, स्लैश लगाना है। और दूसरी महीना लिखा 6, फिर ईयर लिखा 1998, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक प्रॉपर डेट का फॉर्मेट बन जाएगा। अब ये प्रॉपर डेट का फॉर्मेट तो बन गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभार। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको समझें। अगर हमने ये डेट अच्छा लिखी है और यहाँ पर अपडेट कुछ हमने ऐसे लिख दी, सपोज टू बी 15.6.1988 और इंटर कर दिया, तो देखें ये आपको लिख तो डेट रही है, क्या है, दिख तो डेट रही है, लेकिन अगर इस डेट को मैं यहाँ से क्लिक करके लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, और इसको जाकर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ नंबर्स में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो आप कहेंगे सर नहीं पड़ रहा तो नहीं पड़े, फिर ये क्या मकसद है आपका? देखिए मेरा मकसद ये है कि जब हम प्रॉपर फॉर्मेट पर डेट लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, मतलब मैंने 15/06/2003 लिखा, ये प्रॉपर डेट है। इस तरह से जब भी आप डेट लिखेंगे तो आप डेट को जिस फॉर्मेट में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इसको लॉन्ग फॉर्मेट पे कन्वर्ट चाहें तो एक्सेल खुद आपको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा। अगर आप इसको मज़ीद फॉर्मेट्स में ले जाएं और यहाँ से ले जाके आप उसका ये फॉर्मेट लेना चाहें तो एक्सेल आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इस फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा, एंड देन फिर इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में करके देगा। मतलब आप डेट इंटर करेंगे उसी तरीके से जो आपको बताया गया, एक्सेल खुद उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए अब हम यहाँ पे जो भी डेट डालेंगे, सपोज़ टू बी 12/07/2004 एंटर करेंगे तो एक्सेल उसको 12 जुलाई 2004 ऑटोमेटिकली कर देगा। ये फ़ायदा होता है प्रॉपर डेट इंटर करने का। लेकिन अगर किसी शख्स ने बाय मिसाल के तौर पे डेट तो लिखी लेकिन डेट उसने कुछ इस फॉर्मेट में लिख दी, सपोज़ टू बी 23/07/2004 और फिर उसने अगली डेट लिख दी सपोज टू बी 1/06/99/37/2010। अब ऐसे उसने काफ़ी सारी डेट्स लिख दी हैं, लेकिन अब मसला आ गया कि वो बंदा खुद कंफ्यूज हो गया कि सर अगर मैं इन डेट्स को कोई भी फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही इनको चेंज कर पा रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत हाल में इसको प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में कैसे करेंगे? कोई आइडिया है आपके पास? कोई आइडिया नहीं है तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वेरी सिंपल इज़ दैट कि आपने क्या करना है, इन सारी डेट्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच या फिर आपने यहाँ से जाके एक कमांड को लॉन्च करना है जिसका नाम है रिप्लेस। आई थिंक वो कमांड हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, और उसको कहेंगे डॉट को फाइंड करो और स्लैश के साथ रिप्लेस कर दो। जैसे ही हम इसको रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारी डॉट्स जब रिप्लेस हो जाएंगे स्लैश के साथ तो ये प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा और उसके बाद आप इस पर जिस तरह का फॉर्मेट चाहें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से एरर्स आ जाते हैं बाज़ात, तो हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें आना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से फ्लैश फिल का फीचर एक और तरीके से यूज़ हो सकता है। समहाउ कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जो डेट हैं वो इस तरह से लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं नोट कीजिएगा, 2004 और 07 मंथ और 15 है डेट। अब ये हमने लिखा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने उसको खुद ही सही कर दिया 15/07/2004, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिखा कि 15/07/2004 लिखने के बाद हमने यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने इसमें डेट लिखी थी, पहले ईयर लिखा था 2005, फिर मैंने यहाँ लिखा स्लैश फिफ्थ मंथ स्लैश 15 डेट,
जैसे लिख के इंटर किया तो इसने इसको 15/5/2005 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का खुद का फीचर है। अगर डेट के फॉर्मेट को आप उल्टा भी लिख रहे हैं तो ये उसको सीधा कर लेता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेट और यहाँ पे मंथ और ईयर पे ईयर लिख दिया जाए, और यहाँ पर आप लिखें 15 और यहाँ पे लिखें 5 और यहाँ लिखें 2004 या 5 और इस तरह से डेटा आपका लिखा हुआ हो, तो इसको आप वन कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको वन कॉलम में कन्वर्ट करने का अभी मैंने आपको फ्लैश फिल के ज़रिए मेथड बताया, यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट डेट्स ऐसी लिखी हुई हैं 23/6/2003 और यहाँ पे एक और डेट लिखी हुई है 4/7/2002 और यहाँ पे एक और डेट लिखी हुई है 7/9/2001 और इसको आप प्रॉपर डेट को कंपोज करना चाह रहे हैं, तो आप पहला वाला इसको समझाएंगे कैसे कि भाई तुम इसको ऐसे लिखो 15/05/2005 और फिर नीचे वाले पे जाके कंट्रोल ई या फ्लैश फिल दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली करेगा। अब ये नहीं कर पाया, इसकी वजूहत क्या हो सकती है? माइट बी कि एक कॉलम का गेप है बीच में, इस वजह से नहीं कर पा रहा हो, तो इस कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं एंड वंस अगेन कंट्रोल ई दबाते हैं तो इसने इसको प्रॉपरली डेट को कंपोज कर दिया, बना दिया। तो इस तरह से फ्लैश फिल का फीचर आपको हेल्प कर सकता है डेटा को किसी भी पैटर्न में फॉलो करने के लिए।